आदाब, मैं शिलता चीफ डाइटिशियन हूँ। हम सबकी ज़िंदगी न्यूट्रिशन पे डिपेंड होता है। अभी हम लोग जितना मॉडर्नाइजेशन हुआ है, इसके वजह से हम लोगों का जो साइकोलॉजिकल डिप्रेशन है या फिजिकल फिटनेस जो चला गया है आदमी को, ये मॉडर्नाइजेशन से हुआ है। जैसे हम लोगों को सब मानते हैं कि इंडिया में अर्ली मैरिजेस होते हैं, जैसे फीमेल को 15 ईयर्स में कर देते हैं, तो बाय 16 शी इज़ प्रेग्नेंट। तो ऐसा होता है कि जब से कंसेप्शन होता है, जो औरत जब प्रेग्नेंट होते हैं, तब से बेबी बॉर्न होने के बाद, पैदा होने के बाद एक साल तक का उनका न्यूट्रिशन जो है वो आगे के ज़िंदगी का बेसमेंट बनता है, वो एक बेसमेंट बनता है। तो इसके हिसाब से एक फीमेल को व्हेन शी इज़ प्रेग्नेंट अच्छा खाना चाहिए, तभी उनका प्रेगनेंसी का आउटकम अच्छा होता है। तो हीमोग्लोबिन कम इंडिया के 60% प्रेग्नेंट वीमेंस में रहता है। तो ये जो एनीमिया है, इसको फ्री करने के लिए हमारा नेशनल न्यूट्रिशन मिशन बहुत सारे चीज़ कर रहे हैं। इनके सबको जानकारी रहना चाहिए, इसको एडॉप्ट करना चाहिए, जैसे पत्तेबाजी खाना है और नट्स एंड ऑयल सीड्स खाना है, सही तरीके से सब कुछ सीजनल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स खाना है। जब से प्रेग्नेंट हुए तब उनका RBC डेवलप होता है, बच्चे का वेट अच्छा रहता है, ओवरऑल ग्रोथ डेवलपमेंट होता है। जैसे फोलिक एसिड एक चीज़ है, वाइटामिन, उसकी डेफिशिएंसी से बच्चे का स्पाइन खराब हो जाता है, स्पाइना बाइफिडा करके एक डिफेक्ट होता है, न्यूरोलॉजिकल डिफेक्ट। सो मदर जब अच्छा खाते हैं तो प्रेगनेंसी आउटकम अच्छा रहेगा, जब बच्चा पैदा होने के बाद भी इन्फेक्शंस नहीं आएंगे। जब उनका वेट कम होता है तो फ्रीक्वेंट इन्फेक्शंस होते हैं, बच्चों में 5 साल तक का फ्रीक्वेंट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन होता है। जितने कॉन्करेंट इन्फेक्शंस होते हैं उतना डिट्यूरेट होता है उनका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। जैसे विदाउट इन्फेक्शंस 1 or 2 इन्फेक्शंस होता है एक साल में, तो उनका हाइट वेट हिसाब से रहेगा। जब फ्रीक्वेंट 1 महीने में 2-3 बार होता है तो उनका मसल वेस्टिंग हो जाता है, क्योंकि उनका इम्यूनिटी कम है। तो उनको जो मदर का एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग है वो 6 मंथ्स तक रहना चाहिए, उसके आगे उनको सप्लीमेंट्री फूड्स इंट्रोड्यूस करना चाहिए। एक साल में जब बच्चा हो जाता है तो एक आदमी अडल्ट जो जितना खा सकता है वैरायटीज ऑफ फूड, उतना ये बच्चा खाना चाहिए। जैसे रोटी है तो उसको मैश करके देना है, या फल है मैश करके देना चाहिए, नट्स है क्रश करके देना चाहिए, अंडा है खाना चाहिए, चिकन है खाना चाहिए, दूध दही सभी बच्चों को लेना चाहिए। ऐसे करने से उनका जो हेल्थ है ओवरऑल डेवलपमेंट होता है। अगर जब बच्चा पेट में रहता है तो माँ सही नहीं खाते तो लो बर्थ वेट होता है, उसके आगे में डेवलपमेंट माने हाइट में कम रहते हैं, और बाद के लाइफ में जब खाना अच्छा खाना शुरू होते हैं उनको डायबिटीज़ हो जाता है, उनको हार्ट प्रॉब्लम्स होते हैं, फैटी लीवर होता है। तो मदर का न्यूट्रिशन जो है बच्चे को पेट में ही डिक्टेट हो जाता है। जब लो बर्थ वेट बच्चा पैदा होता है तो उसका आगे का जिंदगी भी लो वेट रहना चाहिए। सडनली बाय एनी चांस ही इज पुटिंग ऑन वेट, वो कार्डियोवैस्कुलर डिजीज के लिए प्रोन हो जाएगा। तो ये ध्यान में रखना चाहिए कि फर्स्ट लाइफ ऑफ 1000 डेज इज इम्पॉर्टेंट, इसके हिसाब से मदर का हेल्थ और चाइल्ड का हेल्थ भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो सारे फूड ग्रुप्स को हमारे डाइट में रहेंगे तो आगे का जिंदगी भी कंफर्टेबल रहेगा और डिजीज फ्री रहेगा। ये न्यूट्रिशन का एक टेक्निकल टर्म्स बोलते हैं इसको, ये सब जनता को मालूम है, ये सिंपल है। जो हमारे कार्बोहाइड्रेट्स है, एनर्जी गिविंग फूड्स हैं, ठीक है ना, जैसे हमारे राइस है, व्हीट है, जो भी रोटी ब्रेड खाते हैं या पास्ता नूडल्स खाते हैं जैसे ईस्ट इंडिया में, तो हम लोगों को एनर्जी आता है। जैसे 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट लेने से 4 किलो एनर्जी आ जाएगा, ये एनर्जी तुरंत सप्लाई करता है। जो भी कार्बोहाइड्रेट्स हम लोग खाते हैं ये डाइजेस्ट होकर लिवर में स्टोर होता है ग्लाइकोजन के जैसा। जब भी हम लोगों को एनर्जी डिमांड से वो ग्लूकोज स्प्रेड होता है। प्रोटीन एक ऐसा फूड है जो हमारे मसल्स को बिल्डअप करता है, हमारे ब्लड में प्रोटीन है, हमारे हॉर्मोन्स में प्रोटीन है, और हर एक चीज़ हेयर में भी प्रोटीन रहता है, केराटिन, हर एक चीज़ जिसे हमारे मसल्स हैं, मसल्स को बोन को स्टिक होने के लिए उसके लिए कोलेजन चाहिए, हर एक चीज़ में प्रोटीन की ज़रूरत होता है। ऐसे फैट्स हैं, सारे बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन्स में, सेल मेम्ब्रेन्स की फैट की ज़रूरत होता है। तो फैट हम लोगों को इंसुलेशन देता है, मोशन सॉफ्ट पास करने के लिए हेल्प करता है, ज़्यादा लेंगे तो कॉन्स्टिपेशन होता है। फैट के वजह से विटामिन ADE के एब्जॉर्ब होता है, जब हमें फैट की डेफिशिएंसी है तो ये विटामिन्स एब्जॉर्ब नहीं होते हैं।
तो फैट का भी हमारे डाइट में बहुत इम्पॉर्टेंस है, मगर इसमें हेल्दी फैट्स और अनहेल्दी फैट्स भी हैं। तो हम लोगों का कार्बोहाइड्रेट मेजर डाइट में रहता है, तो 60% तक ले सकते हैं, प्रोटीन्स 20% तक ले सकते हैं और फैट्स 20-30। ये हिसाब से हमारा डेली डाइट का स्केड्यूल होता है। और फाइबर एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जिसे हम लोग एक दिन ब्रश नहीं करेंगे तो कितना बैड ब्रेथ आता है। तो हमारे डाइट में अगर फाइबर नहीं रहेगा तो उतने सारे बैक्टीरिया, टॉक्सिन्स और कार्सिनोजेंस हमारे इंटेस्टाइन में प्रोड्यूस हो जाते हैं। तो फाइबर एक ऐसा चीज़ है जो ब्रश के जैसा इंटेस्टाइन को ब्रश करके बाहर निकाल देता है। तो इसमें दो टाइप्स के रहेंगे, एक सॉल्युबल और इनसॉल्युबल। यह हमारे डाइट में सही मात्रा में ज़रूर रहना चाहिए, तभी हम लोगों का कोलोन क्लीन रहेगा, इंटेस्टाइन गट इम्यूनिटी बढ़ेगा, इससे हम लोगों का बहुत बेनिफिट्स होंगे। या हेल्दी फैट्स, हम लोगों के पास फैट्स जो डाइट में लेते हैं, जैसे मैंने कहा 20-30% लेना है हमारे टोटल कैलोरीज में। तो जैसे आम इंसान को लेंगे तो 40 ग्राम का फैट की ज़रूरत है, 40 ग्राम में हम लोग 20 ग्राम का तेल इस्तेमाल करना चाहिए, 20 ग्राम का नट्स इस्तेमाल करेंगे। नट्स माने तिल हो सकता है, मूंगफली, बादाम, पिस्ता, अखरोट। तेल आप लोगों को दो तरह के तेल हिसाब यूज़ करना है, माने सनफ्लावर लीजिए आप या मूंगफली, मिलाना नहीं चाहिए। एक मील में ये यूज़ कर सकते हैं, दूसरे मील में दूसरा तेल इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे असमी, बंगाली, उड़ीसा के लोग हैं, इन लोगों सरसों का तेल इस्तेमाल करते हैं, तो यूज़ कर सकते हैं। सरसों के तेल के साथ सनफ्लावर का तेल भी यूज़ करना चाहिए। तेल जो भी यूज़ करते हैं उसमें मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड और पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, इसका बैलेंस रहना चाहिए। मूफा जो होता है वो हार्ट प्रोटेक्टिव रहता है, हमारे डाइट में वो 10-15% रहना चाहिए। आम इंसान को 10%, हार्ट प्रॉब्लम्स जो रहते हैं उनको 15% रहना चाहिए, क्योंकि उनको एडिशनल प्रोटेक्शन मिलता है। पूफा जो है ये हम लोगों को 8-10% मिलना चाहिए, ठीक है। जैसे सनफ्लावर सीड्स है उसमें मिल जाएगा आपको, या हम लोगों को थोड़ा बहुत ग्राउंडनट में भी 30-40% मिलेगा। तो एक अलग सा ब्लेंड रहना चाहिए, मगर मिक्सचर नहीं करना चाहिए। सोयाबीन है, सरसों का तेल है, कोकोनट है। कोकोनट जो है सैचुरेटेड फैट्स ज़्यादा रहता है, तो इनको हम डाइट में यूज़ नहीं करेंगे, सिर्फ तेल लगाने के लिए यूज़ करेंगे, बट खाने के लिए यूज़ नहीं करना चाहिए। ऑलिव ऑयल में भी मूफा अच्छा रहता है, मगर कॉस्टली जो रहता है। तो ग्राउंडनट ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं, सनफ्लावर, सोयाबीन, कुछ भी, मगर दो तरह के तेल यूज़ करना है। और ये सारे चीज़ होता है ये हेल्दी फैट्स। और अनहेल्दी जो होता है, थोड़ा बहुत सैचुरेटेड फैट को अनहेल्दी बोल सकते हैं, हमारे डाइट में 7% तक ये रह सकता है, जैसे बटर, घी, चीज़ हो गया, इनमें से आता है। ये ज़्यादा लेने से कोरोनरी आर्टरी डिजीज आने के चांसेस होते हैं, माने हमारे दिल का जो आर्टरी रहता है वो क्लॉग हो जाता है। और एक बैड फैट जो होता है ट्रांस फैटी एसिड्स, ये जब हार्ट प्रॉब्लम है, ओबेसिटी है, हमारे डाइट में ज़ीरो रहना चाहिए। ये सारे चीज़ मिलते हैं आपको फ्रेंच फ्राइज में, बर्गर्स में, पिज़्ज़ास में और बेकरी प्रोडक्ट्स में। ये चीज़ ऐसे होता है क्योंकि हाइड्रोजनेशन ऑफ फैट्स होता है, माने लिक्विड ऑयल्स को बहुत सारे हीट को सब्जेक्ट करके, निकल ऐसे कैटलिस्ट को यूज़ करके इनका प्रोसेसिंग होता है, इससे लिक्विड फैट जाके सॉलिड बनता है। ये जब हम लॉन्ग रन में लेंगे तो हार्ट इश्यूज होते हैं, जैसे 10-15 साल में भी हार्ट अटैक हो सकता है, क्योंकि हर दिन वो लेने से, माने चाइनीज़ नूडल्स, बर्गर्स, इफ़ यू टेकिंग फॉर लंच एंड डिनर, ऐसे 2-3 साल लेंगे तो 10 साल के बच्चे को भी हार्ट अटैक हो जाएगा, तो इतना बैड रहेगा ये। तो सारे जंक को अवॉइड करना चाहिए या कम से कम लेना चाहिए। ये ट्रांस फैट्स आर वेरी बैड, 0 or less than 1%, और ये सैचुरेटेड है वो 7% लेना चाहिए, जैसे घी, बटर, चीज़, और हमारे मटन, बेकन, बीफ, ये सारे चीज़ में सैचुरेटेड फैट्स ज़्यादा रहता है। और इसमें कोलेस्ट्रॉल भी आता है आपको फैट, तो कोलेस्ट्रॉल हमारा रिकमेंडेशन है 300 मिलीग्राम्स पर डे। हम लोग एक अंडे का जर्दी लेंगे तो 210 मिलीग्राम का कोलेस्ट्रॉल आएगा। तो जर्दी को बहुत सारे लोग फेंक देते हैं, ये ऐसे नहीं करना चाहिए। अंडे का जर्दी जो रहता है उसमें 26 वाइटल इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स रहते हैं, जैसे विटामिंस, मिनरल्स, तो इनको अवॉइड नहीं करना चाहिए। अगर कोलेस्ट्रॉल का इंसिडेंस ज़्यादा है तो 1-3 ले सकते हैं हफ्ते में, हेल्दी इंडिविजुअल्स हर दिन ले सकते हैं। तो कोलेस्ट्रॉल को मॉनिटर करना चाहिए, ट्रांसफैट्स अवॉइड करना चाहिए, पूफा मूफा का बैलेंस रहना चाहिए, सैचुरेटेड फैट्स को कम लेना चाहिए।
अभी का बाबीक्यू, सीख कबाब, ये सब का ट्रेंड चल रहा है, स्मोक्ड फूड्स, ये टेस्टी है, सबको पता है, मगर ये चीज़ हमको ध्यान में रखना चाहिए, कभी कभार लेते हैं, यू आर गोइंग फॉर अ गेट टुगेदर, चलेगा। अगर आप इसको हैबिट करेंगे कि हर हफ्ते में आउटिंग पे जाना है, खाना है बच्चों के साथ या फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ, ऐसे बहुत सारे प्रोफेशनल में एक आदत सा हो गया कि हम लोग ज़्यादा काम कर रहे हैं तो हम लोगों को पार्टी करना चाहिए, तो हर फ्राइडे एंड को सैटरडे में पार्टी करना लोग शुरू करें और संडे के दिन फैमिली गेट टुगेदर्स हो रहे हैं। अगर आप ऐसे फूड्स को फ्रीक्वेंटली खाएंगे, चार्ड जैसे आपने कहा है, कार्बन रहता है, ये कार्सिनोजेंस हो जाते हैं। ये स्मोक्ड बारबेक्यूड फूड्स आर नॉट रियली गुड, कभी लेते हैं तो ठीक है, इनमें कार्सिनोजेंस रहते हैं, तो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, अभी आप ज़्यादा से ज़्यादा लेंगे तो कैंसर होने का 100% चांसेस रहेंगे। तो जितना भी है स्मोक्ड चार्ड फूड्स नहीं लेना चाहिए। और आपको जब ब्राउन दिखता है, चाहिए आप भुट्टा खाते हैं, जो मेजकॉर्न उसको जला के भी खाते हैं, क्यों ना वो गरीबी इंसान हो, जब वो चार्ड होता है दैट ऑल्सो इज कार्सिनोजन। जैसे हम लोग बिरयानी बनाते हैं या उपमा बनाते हैं, नीचे जो ब्राउन हो जाता है उससे भी हम लोगों को कैंसर होने का चांस होता है। जब वो ब्लैक और ब्राउन हो जाता है उसको हटा देना चाहिए, चाहे वो बारबेक्यू क्यों ना हो या स्मोक्ड क्यों ना हो। थोड़ी देर तक टू सम एक्सटेंट ग्रिल्ड इज ओके, ग्रिल में उतना चार्जिंग नहीं होता है, चारिंग नहीं होता है, ब्लैक कलर नहीं होता है, तो ब्राउन कलर होता है। व्हेन यू बर्न इट टू मच कार्बन्स आर प्रोड्यूस, कार्बन्स आर नथिंग बट कार्सिनोजेंस, तो जिनको इतना अवॉइड करेंगे उतना बेहतर है, कभी कभी ले सकते हैं। पानी बहुत अच्छा चीज है, पानी की हमें बहुत जरूरत होती है, जैसे हमारे हर सेल में वाटर रहता है, पानी रहता है। जब हम लोग बहुत बार सुन चुके हैं कि डिहाइड्रेशन हो गया है, तो हम लोगों का बॉडी का बैलेंस जो है वाटर से होता है। अगर हम लोग आजकल 80% एम्प्लॉयज़ जो है एसी एनवायरनमेंट में काम करते हैं, जिनको पानी पीने का मन नहीं करता है और लेजीनेस एक चीज़ है, जाके वहाँ से पानी लेकर आना है तो वो नहीं पीते हैं, तो वो लोग हॉल्स च्यू कर लेते हैं या सुपारी खाते हैं, जो भी उनका ट्रेंड है, च्यूइंग गम खा लेते हैं, कुछ भी ऐसा खा लेते हैं। ऐसे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इससे हमारे बॉडी में एसिडिटी ज़्यादा हो जाता है और यूरिन कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता है। जब यूरिन कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता है तो छोटे छोटे कंकर होना शुरू होता है, इससे किडनी स्टोन्स हो सकते हैं, वो ब्लैडर में रेस्ट होंगे, यूरिन ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगा, उससे हाइड्रोयूरेट्रो नेफ्रोसिस भी बन सकता है, ऐसे वो कभी कभी उनमें पस भी आ जाता है किडनीज में, पाइलोनेफ्राइटिस भी हो सकता है। सो बहुत जानलेवा बीमारी भी आ सकते हैं थोड़ी सी लेजीनेस की वजह से। तो एक वाटर का इतना इम्पोर्टेंस है, हमारा डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन भी पानी से ही होता है, तो हर इंसान को लिमिटेड अमाउंट्स अपने एक्टिविटी के हिसाब से पानी लेना चाहिए। जैसे हम लोग सेडेंट्री वर्कर्स हैं, उनको 2 से 3 लीटर तक लेना चाहिए, औरत को कम से कम 2 लीटर और मेन को 3 लीटर्स तक लेना चाहिए। ये डाइटरी लिक्विड्स बोलते हैं, हम लोग पानी नहीं बोलते हैं। तो डाइटरी लिक्विड्स में आपका टी, कॉफ़ी, बटर मिल्क, सूप, रसम, सांभर सब आते हैं। ऐसा बात नहीं है कि आप सिर्फ 3 लीटर लेंगे और डाइटरी फ्लूइड्स और 1-2 लीटर्स लेंगे, इसका कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। तो जब आपको थर्स्टी फीलिंग होता है तो आप तुरंत लेना चाहिए, उसको पोस्टपोन नहीं करना चाहिए। अब हॉट एनवायरनमेंट है, समर है, तो आप 5 लीटर्स, 4 लीटर्स, 6 लीटर्स भी ले सकते हो। आपका एक्टिविटी ज़्यादा है, फील्ड वर्क है, बहुत सारा मार्केटिंग बिजनेस है, चलना पड़ता है, तो बहुत सारा लेना चाहिए। जैसे मैंने बताया कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ यूरिन बिकम सुपर सैचुरेटेड, स्टोन फॉर्मेशन होता है, तो यही नहीं कॉन्स्टिपेशन भी हो जाता है। तो बहुत सारे लोग बोलना पसंद नहीं करते कि उनको ब्लीडिंग पाइल्स रहता है, हेमोरॉइड्स रहता है, तो ये सब पानी कम लेने के वजह से एक कारण होता है। तो पानी की मात्रा हमें डाइट में ज़रूरी है, 2 से 3 लीटर तक रहना चाहिए, सीजन के हिसाब से कम ज़्यादा। जैसे विंटर में बहुत सारे लोग ऐसे फील होते कि पानी लेना है, वॉशरूम को जाना पड़ता है, ये गलत है। आपको ठंडा पसंद नहीं है तो सूप ले सकते हो, ग्रीन टी ले सकते हो, कुछ गर्म पानी ले सकते हैं, या बार्ली वाटर ले सकते हैं, या पेपर वाटर, कुछ भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिक्विड्स हमारे डाइट में रहना चाहिए। ये लिक्विड्स में जूसेस नहीं आएंगे। बहुत सारे लोग कहते हैं मुझे पानी नहीं पीना, मुझे सॉफ्ट ड्रिंक पीना है। ऐसे बहुत सारे कल्टीवेट कर चुके हैं कि खाने के साथ जो है सॉफ्ट ड्रिंक्स लेते हैं या जूस लेते हैं या सोडा लेते हैं, ऐसे गलत चीज़ नहीं करना चाहिए।
जूसेस नहीं लेना चाहिए, जब तक दांत है, जब तक इंसान फिट एंड फाइन है तो जूसेस की ज़रूरत नहीं है। कुछ सर्जरीज हुआ है, खा नहीं सकते, उस दिन एक दो ग्लास लेना चाहिए, ठीक है ना। तो लिक्विड्स हम लोगों को पानी, बटर मिल्क, ग्रीन टी, चाय, कॉफ़ी, रसम, सांबर, सूप, ऐसे रहना चाहिए। ऐसे लेने से कॉन्स्टिपेशन नहीं होएगा, फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस अच्छा रहेगा, किडनी स्टोन्स का प्रॉब्लम भी नहीं रहेगा। तो सही हिसाब से आप बैलेंस डाइट लेंगे, फिजिकली एक्टिव रहेंगे, तो हम लोगों को डिजीजेस से फ्री लाइफ रहेगा, तो हेल्दी लाइफ रहेगा। तो आप लोग सबको न्यूट्रिशन का इम्पोर्टेंस मालूम रहना चाहिए और प्रैक्टिस भी करना चाहिए। थैंक यू।